ऐसे पहले के माता बहन बेटी बड़ा निमन निमन गाना गावतली है। जानते रहो का गावतली है, के रे मिया के डारी मैया ला जनरेशन बदल गई बा। आजकल के तक लड़की थाली सजा ले तरी सा, एगो मारुति के देर खाली सैंडल पहले तरी सा, जींस पैंट पहले तरी सा, अब मंदिर के गेट पर जाके का तरी से हेलो दुर्गा माँ, हेलो दुर्गा माँ। मैं थोड़ा सा जा रही हूँ केजीएफ देखने, आऊंगी तो तेरा दर्शन कर लूँ। दोष केहू के नहीं थे। आज के अगर लड़की अगर साड़ी पहन के जा मार्केट में ना तो लोग कहे कि देहात के ही है। ऐसे ओकरा समाज के दिखावे खातिर जींस पैंट पहने के पड़ता। ऐसे समाजी औसन हो गई बा, का कहे करी आ थाली सजा के का गावत करी सर कि ये दिल आशिकाना। माई मंदिर छोड़ के भागल बड़ी चौरा रे, भागल बड़ी बाप रे भी करे दिल आशिक भइल बा। हमार जहां दिल आशिक भइल के गुजरात वाला भूकंप फेर हो जावे वाला बा। ऐसे पहले के भजन में आजकल के भजन में बड़ा अंतर हो गए भाई। पहले के तिलक बारात में जब भी तिलकहरू लावे तो बड़ा निमन लोग गाना गावे काका कि पापा समाधि मिलना रहुरा जाई तबे बेटी समाधि मिलना कैसे होई तब पापा हाथवा में ले ली पिया धोतिया। आजकल ना 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 आजकल उल्टे चलता। देखी का कहले बने का कहले बने, समय के साथ हर चीज के बदलाव होला। लमका की गोल का गोल के दे दी ठंडा बा कि अब ये जान बे कौन ले ला ले ला ले ला। अच्छा हमारे बड़े भैया अशोक भैया भी आए हैं। अशोक भैया को दिल से स्वागत है, आइए गमछा दीजिए। अशोक भैया का स्वागत मैं करता हूँ। अशोक भैया किधर इधर आइए, जब से आया उत्तर से खाली पप्पूए भैया हमको दिखाई दे रहे हैं, अशोक भैया कमे दिखाई दे रहे हैं। कि दही के नदिया में तोहरा बिलार राखवार भइल आइए सब इस पूरे साम्राज्य के सर्वोपरि और हम सबके गार्जियन, अगर पप्पू भैया के गार्जियन है, इस साम्राज्य के गार्जियन है, तो मैं तो इस घर का एक छोटा बेटा हूँ और इनका छोटा अनुज हूं। और आज से इतना प्यार मिला मुझे, मैं बहुत जगह कार्यक्रम किया हूं। मुझे लगता है कि 2006 में मेरी शादी हुई, 9 में मेरी बेटी हुई और 9 में मैंने एक गाना गाया था कि चूहू सता और मैं अपने बेटी के भाग्य से बड़ा हूं। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो बेटियों का हमेशा सम्मान करिए। और जब से मैं रांची एयरपोर्ट से उतरा हूं, मुझे इतना भी महसूस नहीं होने दिया अशोक भैया ने या पप्पू भैया ने कि मैं इस घर का बेटा नहीं। हर मोड़ पे 10 लोग खड़े थे सिर्फ इसलिए कि एक भाई आ रहा है। हर मोड़ पे मैं चाय पी के हमारा शुगर हो गई बा। भैया खाना खा लीजिए, पप्पू भैया ने बोला है, अशोक भैया ने बोला है, नहीं खाएंगे तो भैया नाराज हो जाएंगे। कम से कम मैंने 10 से 12 जगह पे गाड़ियां रोकी है और सबका सम्मान करते हुए सबसे फोटो खिंचाते हुए आया। तो ये
देखिए पैसे से, पैसे से आप सम्मान खरीद सकते हैं, सम्मान नहीं। इन्होंने सम्मान कमाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी में ऐसे भाई अगर आपके साथ हैं, और ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि यहाँ का एमपी बन जाना चाहिए। अशोक भैया को, अब अशोक भैया को आप लोग बेमतलब बिल्डर सिल्डर हटा दीजिए, अशोक भैया को आप लोग एमपी बनाइए और उसके लिए 20 दिन खेसारी आप लोगों के साथ में रहेगा। और भैया का, भैया का प्रचार में फ्री में नहीं करूंगा, जीत जाएंगे तो कम से कम यहाँ पे बोलूंगा देखो हमरो के हवेली बना दीजिए, आपके साथवा रहूं मैं। अगर फ्री में कर दूंगा तो ये मेरा इज्जत नहीं कर पाएंगे, अरे खेसरिया फ्री में आ गया है, क्या दिक्कत है, हर बार फ्री में बुला ले। पप्पू भैया और अशोक भैया, भगवान करे कि आप दोनों भाइयों की जो प्रेम है भरत और राम की तरह है। एक बात बताना चाहता हूं, भरत राम के लिए प्यारा क्यों थे जबकि साथ में लक्ष्मण गए थे, लेकिन भरत प्यारा क्यों थे ये मैं आज आप सबको बता रहा हूं। भरत प्यारा इसलिए थे कि आजकल दो गज जमीन के लिए भाई भाई का हत्या कर देता है, लेकिन उन्होंने भाई के गद्दी पे कभी बैठा नहीं कि भैया 14 बरस के लिए बन गए हैं, उनका खराऊ इस गद्दी पे राज करेगा। दूसरी चीज, सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी भरत चटाई पे सोते थे कि भैया जंगल में सो रहे हैं तो मैं चटाई पे ही सोऊंगा। बीबी के रहते हुए भी बीबी के पास नहीं रहते थे, तो जिंदगी में जो त्याग करता है वो महापुरुष है, जो साथ में रहता है वो महापुरुष नहीं है। इसलिए लोग ये बोलते हैं तो भाई हो गया तो भरत जैसा, इसलिए प्रमाण यही दिया जाता है। और आप दोनों का अटूट प्यार देखकर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह प्यार आप दोनों के बीच में, ये प्यार आप दोनों के बच्चों के बीच में भी रहे, ताकि साम्राज्य पे कोई कभी आंच ना आए। अब मैं माला पहनाया हूं और मैं फ्री में नहीं पहनाता, तो कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगेगा। और कम मत दीजिएगा, अपने अपने हैसियत के हिसाब से दीजिएगा ताकि हमको भी लगे कि नहीं भाई कम नहीं मिला हमको, है कि नहीं। एक बार ताली बजाओ तुम पगले, मोटा माल मिलने वाला है हमको। पैसा घर से मंगा लीजिए, अभी पैसे की बहुत जरूरत है। आप दोनों को आना है और लुटाना है, आज लगना चाहिए कि आज नोटों की बारिश हो रही है, मिल नहीं रहा है, बारिश हो रही है। चलिए थैंक यू सो मच भैया, प्रणाम, और ऐसे ही मोहब्बत हम सब भाइयों का बना रहे। और आप लोग गर्व महसूस करिए कि अशोक भैया जैसा, पप्पू भैया जैसा इंसान आप सबके बीच में है कि आपको तकलीफ दिक्कत में हमेशा आप सबके काम आएंगे, क्योंकि आप आपके अपने हैं ये सब। एक जोरदार हल्ला करके ताली बजाओ पगले, और हम अगली बार आएंगे तो सोचेंगे कि आप एमपी बन के इस जगह पे आएंगे। मेरा सहयोग जितना होगा मैं अपने भाइयों के लिए करूंगा, और हमारे बस चले तो हम पूरा दुनिया में हर जगह बिहारी भर देंगे। ये बताओ जो जहां जहां हमारा अपन लोग तो जिंदगी में अपनों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तू सीढ़ी काहे ना लगा ले लो, तोहरे सन आदमी के मेहरारू दूसरा संग भागे ली सा, तू दूसरा के कन्हा पर रहबो तो कहू पर चढ़िए न जाई। ध्यान दो ना तो घबरा जाई।
थोड़ा सा एस्टिमेट से साइड हट लीजिए आप लोग, ताकि हमको हमारी डांसर महोदय आप लोग आ जाइए, जितने भी अदाकारा हैं आप लोग आइए।